क्या कहा? What was said? जी के जी बनने की बात है. It is about becoming that while being alive. तो मरने के बाद बाप के बनने की बात नहीं है. It isn't about belonging to the father after death. छोटा बच्चा तो कह नहीं सकता. A small child certainly can't say it. क्या? What? क्या नहीं कह सकता? What can't he say? कि हम आपके बने हैं. I have become yours. छोटा बच्चा होगा वो फिर किसकी किसके पास पहुँचेगा? Then where will a small child go? बाप को कहेगा हम आपके बन गए. Will he tell the father, I have become yours? है? वो फिर भी अपने लौकिक माँ बाप की गोद में पहुँच जाएगा. He will still reach the lap of his lokik parents. यहाँ भी जो छोटे हैं. Even here, those who are young. छोटे माना? Young means. छोटी बुद्धि वाली. वो ये बात नहीं कह सकते. Those who have a small intellect can't say this. ये ज्ञान है बड़ों के लिए. This knowledge is for the elders. कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ. They say, Baba, I am your small child. छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज होता है. It is easy to explain to the small children through pictures. क्या कहा? What has been said? चित्रों पर किसको समझाना सहज होता है? Whom is it easy to explain through the pictures? छोटे बच्चे चित्रों पर समझते. The small children understand through pictures. दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है. Day by day, the explanations are increasing. ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लेन अनुसार 5000 वर्ष पहले निकली है. This tactic of the pictures has come up 5000 years ago according to the drama plan. चाहे जड़ चित्र हो. Whether it is the non-living pictures. और चाहे चैतन्य चित्र हो. Or the living pictures. चित्रों के आधार पर जो समझते हैं वो कैसे बच्चे हैं? Those who understand on the basis of pictures are what kind of children? तो छोटे बच्चे. They are small children. इसमें ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकले. You can't raise a question for this. Why didn't we come in the beginning? क्या? What? है? जब ये चित्र वगैरह निकले तब हम क्यों निकले? Why did we come when these pictures etc. emerged? अभी क्यों? Why now? ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी. Whichever tactic is to come up at whatever time in the drama will come up at that time. चित्रों को शुरुआत में नहीं निकलना था. The pictures weren't supposed to come up in the beginning. कब निकलना था? When were they supposed to come up? बाद में निकलना था. They had to come up only later. स्थूल पढ़ाई के नंबर वार दर्जे होते हैं ना? There are number wise, meaning one higher than the other grades in the physical study, aren't there? ऐसे थोड़ी है कि पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे. It isn't that you will pass the big examination in the beginning itself. पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है. First, only अलफ बे are taught. अलफ बे meaning first two letters of the Urdu alphabet. ये तो बाबा बाप का बच्चा बनने से ही बाप का बाप स्वर्ग की बात सही दे देते हैं. The father gives the emperorship of heaven only on becoming the father's child. क्या कहा? What has been said? है? जब कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ. When you say, बाबा आई बिलोंग टू यू. तो उसी समय क्या हो जाता है? What happens at that very time? उसी समय विश्व की बात सही मिल जाती है. जो पाना था तो पा लिया. At that very time, you get the emperorship of the world. We have achieved whatever we had to achieve. सात्विक स्टेज होती है उस समय. The stage is pure सात्विक at that time. बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है. The faith doesn't break after calling the father father. फिर यहाँ तो बाबा बाबा कहते ही निश्चय टूट पड़ता है. Here the faith breaks just after saying बाबा बाबा. What? अभी अभी कहा बाबा. Just now you said बाबा. तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है. तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो. यू नो दैट दिस इज द अनलिमिटेड फादर. यू आर ऑब्टेनिंग द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर. तो उनकी श्रीमत पर चलना है. सो यू हैव टू फॉलो हिज श्रीमत. कितन में बैठ के बोला? दीज वर्ड्स वर स्पोकन व्हाइल सिटिंग इन हूज बॉडी. ब्रह्मा कितन में बैठ करके बोलने वाला बोल रहा है. द स्पीकर इज स्पीकिंग व्हाइल सिटिंग इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा. कि तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो. एंड सेइंग दैट यू आर ऑब्टेनिंग द इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर. कौन सा वर्षा? विच इनहेरिटेंस? स्वर्ग का. ऑफ हेवन. सुख का वर्षा ले रहे हो. स्वर्ग माना सुख. यू आर ऑब्टेनिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस. हेवन मीन्स हैप्पीनेस.
तो उनकी मत पर चलना चाहिए। सो यू शुड फॉलो हिज डायरेक्शंस। ऐसे क्यों कहा? व्हाई वाज दिस सेड? दूर क्यों कर दिया? व्हाई वाज ही मेड डिस्टेंट? इनकी मत पर क्यों नहीं? व्हाई डिडंट ही से द डायरेक्शंस ऑफ दिस वन? इनकी माना ब्रह्मा की मत पर क्यों नहीं? व्हाई डिडंट ही से ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दिस वन दैट इज ब्रह्मा? है? हाँ, जो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसकी तरफ इशारा किया। यस, ही हिंटेड एट द मोस्ट एलिवेटेड पार्ट दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड इन द फ्यूचर। ब्रह्मा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे? ब्रह्मा वोंट बी कॉल्ड द मोस्ट एलिवेटेड। तो उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़, मुझे याद करो। सो वी हैव टू फॉलो हिज डायरेक्शंस। द फादर सेज लीव एवरीथिंग एल्स एंड रिमेम्बर मी। और वर्षे को याद करो। एंड रिमेम्बर द इनहेरिटेंस। क्या क्या याद करो? व्हाट शुड यू रिमेम्बर? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। रिमेम्बर द फादर एंड रिमेम्बर द इनहेरिटेंस। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी। यू विल ऑल्सो फील हैप्पी बाई रिमेम्बरिंग दिस वाइल वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड। कौन सी याद? विच रिमेम्बरेंस? बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। Remembering the father and remembering the inheritance. तो दो को याद करें, एक को याद करें। So, should we remember two or should we remember one thing? दो को याद करें। मान एक हम याद करो, सो कहाँ गया? Should we remember two things? Where did the direction remember me alone go? है? है? बाप एक को याद करें। Student, we should remember the one father. Should we remember the one father? कभी दो को दो बातें हो गई, कभी एक बात, ये क्या हुआ? Sometimes there are two things and sometimes there is one. What is this? Student, you will get the inheritance only when you remember the father. No. मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। Remember me and remember the inheritance. दो को याद करें, एक को याद करें, विचारी याद करें या आप भी विचारी याद करें। Should we remember two things or one? Should we remember in an adulterated way? Or should we remember in an unadulterated way? फिर वर्षे को याद न करें? Then shouldn't we remember the inheritance? Students commented. नहीं, जो बाप है वो ही वर्षा है। No, the father himself is the inheritance. क्या? पाना था? तो पा लिया, तो क्या पा लिया? What? We have achieved whatever we had to achieve. So what did we achieve? बाप को पा लिया माना सब कुछ पा लिया। We have found the father. It means we have found everything. चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी। You will also feel happy when you remember this while walking and moving around. क्या याद? What remembrance? ये याद। This remembrance. कौन सी याद? Which remembrance? कि बाप में ही वर्षा समाया हुआ। That the inheritance is contained only in the father. बाप माना? What is meant by the father? बाप माना क्या? बिंदी। What is meant by the father? The point. बाप माना बिंदी नहीं। The father doesn't mean the point. मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा बाप। Human world. A student comments. The father ब्रह्मा। ब्रह्मा बाप हो गया। Has ब्रह्मा become the father? बाप माना मनुष्य सृष्टि का बीज। The father means the seed of the human world. वो मनुष्य सृष्टि का बीज जब बुद्धि में बैठ जाए। When that seed of the human world sits in the intellect. ये राम ही है। Thinking that this one alone is Ram. राम राज्य की स्थापना करने का निमित्त। The instrument to establish the kingdom of Ram. अगर उसे पहचान लिया और उसको बन गए। If we recognize him and become his children. तो राम मिला माना सब कुछ मिला। Then when we have found Ram, we have found everything. राम राज्य मिला। We have found the kingdom of Ram. क्योंकि It is because वो राम और शिव अलग अलग किए जा सकते हैं क्या? Can that Ram and Shiv be separated? नहीं। No. संगम युग में जो राम वो शिव। The one who is Ram in the confluence age is Shiv. निराकार और साकार। The incorporeal one and the corporeal one. देह और आत्मा अलग नहीं कर सकते। The body and the soul can't be separated. अगर अलग कर दिए? If they are separated. तो कौन सा युग हुआ? Then which age is it? तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हो सकता है, लेकिन Then it could be the golden age, the silver age, the copper age or the iron age. But
संगम को नहीं कहेंगे। इट वॉन्ट बी कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज। तो ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? सो बाय रिमेम्बरिंग दिस यू विल ऑल्सो फील हैप्पी, बट वाई डजंट दिस रिमेम्बरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट? कौन सी आया? विच रिमेम्बरेंस? साकार में निराकार आया हुआ है। द इनकॉर्पोरियल वन हैज कम इन द कॉर्पोरियल वन। क्यों नहीं ठहरती ये याद? वाई डजंट दिस रिमेम्बरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट? क्यों का जवाब क्या हुआ? वॉट इज द रिप्लाई टू वाई? न ठहरने का कारण क्या हुआ? वॉट इज द रीजन फॉर द रिमेम्बरेंस नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट? निश्चय बुद्धि अभी नहीं बने हैं। वी हैवंट बिकम द वंस विद एन इंटेलेक्ट दैट हैज फेथ येट। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे। यू हैव गिवन अ गारंटी बाबा व्हेन वी बिकम योर्स। तो हमारा और कोई से मत नहीं रहेगा। वी वोंट हैव अटैचमेंट फॉर एनीवन एल्स। हम आपकर ही की मत पर चलूंगा। आई विल फॉलो ओनली योर डायरेक्शंस। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूले होती रहेंगी। द फादर ऑल्सो सेज यू विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स इफ यू डोंट फॉलो द श्रीमत। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। व्हेन यू फॉलो द श्रीमत योर मर्क्यूरी ऑफ जॉय विल राइज। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। व्हेन द सोल रिसीव्स सुपर सेंशियस जॉय इट फील्स सो हैप्पी। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राजी भाग दिया था। द सोल नोज दैट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल गिव अस द शेयर ऑफ अवर किंगडम। जो 84 जन्म लेते लेते हमने गवाए दिया। विच वी लॉस्ट व्हाइल हैविंग 84 बर्थ्स। अभी फिर बाप दे रहे। नाउ द फादर इज गिविंग इट वंस अगेन। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना? सो वी शुड हैव इमेंस जॉय शुडंट वी? अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना? द इनर जॉय कैन ऑल्सो बी सीन कांट इट? क्या? वॉट? वो अंदर से कापारी नशा चढ़ जाएगा कि जो पाना था सो पा लिया। व्हेन द एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन राइजेस विद इन आई हैव अचीव्ड व्हाटएवर आई हैड टू अचीव। खुशी बाहर भी दिखाई पड़ेगी। देन इट विल बी विजिबल एक्सटर्नली एज वेल। इन्हें लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना? इट इज विजिबल फ्रॉम द फेस ऑफ दीस लक्ष्मी एंड नारायण इजंट इट? क्या दिखाई पड़ता है? वॉट इज विजिबल? की इन्हों को कुछ प्राप्ति? दे हैव अचीव्ड समथिंग। बल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं। दो सम पीपल रिमेन वेरी हैप्पी इन द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस एज वेल। बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। दे आर गुड एट कॉन्वर्सेशंस टू। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंचा पोजीशन किसका होता है? हु होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द ह्यूमन वर्ल्ड? यस यूं तो सबसे ऊंच तो है शिव परमात्मा। इन फैक्ट द हाईएस्ट इज द सुप्रीम सोल शिव। जिसको सब फादर कह करके पुकारते। हुम एवरीवन कॉल्स द फादर। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बट दे डोंट नो हिज ऑक्यूपेशन। क्या कहा? है तो ऊंच वो। What has been said? He is indeed high. लेकिन उसका धंधा क्या है? But what is his occupation? धंधे को भूल जाते। They forget that occupation. क्यों भूल जाते? Why do they forget it? जब बाप आए तब आकर के अपना परिचय दे। When the father comes, he can give his introduction. क्या परिचय दे? What introduction can he give? कि मेरा ये धंधा है। This is my business. मेरा ये ऑक्यूपेशन है। दिस इज माई ऑक्यूपेशन। क्या ऑक्यूपेशन? वॉट इज द ऑक्यूपेशन? पतितों को पावन बनाना। टू प्यूरिफाई द सिंपल। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है। नाउ यू चिल्ड्रन नो वी गेट द किंगशिप ऑफ हेवन फ्रॉम बाबा। तो खुशी होनी चाहिए ना? सो यू शुड फील हैप्पी शुडंट यू? हम नर से नारायण बनते हैं। वी बिकम नारायण फ्रॉम नर मीनिंग मैन। वैकुंठ की राजाई में पहली पहली खुशी कौन सी? विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पीनेस इन द किंगशिप ऑफ हेवन? कि हम नर से नारायण जैसे बन रहे। वी आर बिकमिंग लाइक नारायण फ्रॉम अ मैन। कोई भला हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। ऑल्दो सम रेज देयर हैंड दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी भी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। Those who have faith, they have this happiness too. Now we have completed the 84 births. अब हम बाबा की श्रीमत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। Now we become the masters of the world by following Baba's श्रीमत। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए?
यू शुड हैव सो मच इंटॉक्सिकेशन अबाउट दिस नॉलेज. प्रेसिडेंट गवर्नर आदि को तो नशा है ना. द प्रेसिडेंट द गवर्नर एटसेट्रा हैव देयर इंटॉक्सिकेशन डोंट दे. बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने के लिए. बिग पर्सनैलिटीज गो टू मीट देम. बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल नहीं सकता है. नो वन कैन मीट समवन विदाउट नोइंग हिज पोजीशन. क्या कहा. व्हाट हैज बीन सेड. कोई किसी से मिलने के लिए कब आता है. व्हेन डज अ पर्सन गो टू मीट समवन. बाबा भी कब मिलते नहीं है. बाबा नेवर मीट्स एनीवन ईदर. किससे. होम. किससे नहीं मिलते. होम डजंट ही मीट. किससे नहीं मिलते. फिर किससे मिलते हैं. डजंट ही मीट द चिल्ड्रन. देन होम डज ही मीट. है बच्चों से नहीं मिलते फिर किससे मिलते. इफ ही डजंट मीट द चिल्ड्रन होम डज ही मीट. नो. जो बच्चे बाप के ऊपर निश्चयवान नहीं है बाप को जानते ही नहीं है उनसे बाप कब मिलते नहीं है. द फादर नेवर मीट्स द चिल्ड्रन हु डोंट हैव फेथ ऑन द फादर हु डोंट नो द फादर एट ऑल. बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो. ओनली यू चिल्ड्रन नो बाबाज पोजीशन. क्या बाबा का पोज है और क्या पोजीशन है. व्हाट इज बाबाज पोज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन. फोटो दिखाते हैं तो उसमें पोज और पोजीशन दिखाई जाती है. When somebody's photo is shown, then his pose and position is shown in it. तो वो pose और position तुम बच्चे जानते हो. So, you children know that pose and position. दुनिया में और कोई जानते ही नहीं. जो जानते ही नहीं तो उनसे बाप मिलते ही नहीं. Nobody else in the world knows it at all. When they don't know it, the father doesn't need them at all. तुम बच्चे जानते हो तो तुम बच्चों से बाप मिलते हैं. You children know it. So, the father meets you children. बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो. Only you children know Baba's position. तो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो. That too, you know it number wise, meaning at different levels, according to your purushart, meaning spiritual effort. क्या. What? उस पोज और पोजीशन को. That pose and position. कौन सी पोज और पोजीशन को. Which pose and position? जिसकी यादगार मंदिरों में रखी हुई है. A sign for it is kept in the temples. ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं. Numerous temples have been built. और शिव परमात्मा की पोज और पोजीशन को तुम बच्चे ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो. Only you children know the pose and position of the supreme soul Shiv number wise according to your purushark. जो जानते ही नहीं उनसे मैं मिलता ही नहीं. I don't meet those who don't know it at all. किससे मिलता हूँ. Whom do I meet? बल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान है. Although they call themselves Brahma Kumars, it doesn't remain in the intellect that they are Shiv Baba's children. ऐसे ही नाम रखा लिया हम ब्रह्मा कुमार कुमारी. They have just kept the name. We are Brahma Kumar Kumaris. हम शिव बाबा की संतान है उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं ये नहीं जानते. They don't know that they are Shiv Baba's children and are obtaining the inheritance of heaven from him. Na baap ko aur na varse ko yaad kar sakte hain. They can neither remember the father nor the inheritance. Yaad rahe to andar mein khushi bhi rahe. If this remains in their mind, there will also be happiness inside. Jaise kanya ki shaadi karate hain. For example, when a daughter is getting married, to unko gupt daan diya jata hai. She is given a secret donation. पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं. द बॉक्स इज लॉक्ड एंड द की इज गिवन इन हर हैंड्स. क्या कहा. व्हाट हैज बीन सेड. पेटी बंद की और गुप्त दान उसमें रख देते हैं चाबी हाथ में दे देते हैं. द बॉक्स इज क्लोज्ड एंड द सीक्रेट डोनेशन इज प्लेस्ड इन इट. द की इज गिवन इन हर हैंड्स. बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं. द फादर ऑल्सो गिव्स द की टू द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इन योर हैंड. कौन से हाथ में. इन विच हैंड. बुद्धि रूपी हाथ में. इन द हैंड लाइक इंटेलेक्ट. कृष्ण की हथेली में क्या रखा है. व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द हैंड पाम ऑफ कृष्ण. हाँ विश्व की बादशाही रखी है. यस द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इज प्लेस्ड. माने पेटी हाथ में रखी है. इट मीन्स दैट द बॉक्स हैज बीन प्लेस्ड इन द हैंड. और चाबी कहाँ रखी है. एंड वेयर इज द की प्लेस्ड. वो विश्व की बादशाही हथेली में दिखाते हैं. That emperorship of the world is shown on the palm. तुम विश्व का उद्घाटन करते हो. You inaugurate the world. स्वर्ग में भी तुम जाएंगे. It is you who will go to heaven as well. क्या कहा. What has been said? तुम जाएंगे. You will go. बाबा तुमको बनाते हैं. बाबा makes you worthy. भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन नहीं सकते.
द डिवोटीज कांट बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू हेवन. क्या? व्हाट? जब तक बाबा उनको ज्ञान न देवे. अंटिल बाबा गिव्स देम द नॉलेज. पवित्र न बने. एंड दे बिकम प्योर. क्या? व्हाट? जब तक उनके अंदर वो समझ न आए. अंटिल दे अंडरस्टैंड फ्रॉम विद इन कि बाप कौन है. हु द फादर इज. और दूसरी बात. एंड सेकेंडली. जब तक वो पवित्र ब्राह्मण न बने. अंटिल दे बिकम प्योर ब्राह्मण्स. तब तक स्वर्ग में जाने के लायक बन नहीं सकते. मानो दे कांट बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू हेवन. इट मीन्स दैट अपने को सुखी सदाकाल अनुभव कर नहीं सकते. दे कांट फील हैप्पी फॉरएवर. इसलिए नारद का मिसाल भी है. दिस इज व्हाई देयर इज एन एग्जांपल ऑफ नारद एज वेल. क्या मिसाल है? व्हाट इज द एग्जांपल? नारद का मिसाल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नारद? है सबको कहता करता था झांझ बजा बजा के. He used to tell everyone by playing the jhanj, meaning cymbals. Chalo Vaikunth, chalo Vaikunth. Let's go to Vaikunth. Let's go to Vaikunth, meaning heaven. Aur khud kahan dolta tha? And where did he himself used to wander? Aur narak ki duniya mein dolta tha. He himself used to wander in the hellish world. Kaam kya karta tha? What did he used to do? Naam kya pada? What name did he acquire? Nar mana gyanjal. Nar means the water of knowledge. और द माना देने वाला. एंड दा मीन्स गिवर. क्या देता था दूसरों को? व्हाट डिड ही यूज्ड टू गिव टू अदर्स? है अभी ये दुनिया फलास होने वाली है. यस नाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू पेरिश. कहाँ चलो? वेयर शुड वी गो? स्वर्ग में चलो. खुद कहाँ गोता खाता? लेट्स गो टू हेवन. एंड वेयर डिड ही हिमसेल्फ यूज्ड टू डाई? नरक में गोता खाता रहता. ही यूज्ड टू डाइव इन हेल. तो नारद का मिसाल है ना. सो देयर इज द एग्जांपल ऑफ नारद. इजंट देयर? बन भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं. ऑल्दो देर आर मेनी गुड डिवोटीज. परंतु आत्मा तो पतित है ना. द सोल इज सिंपल इजंट इट? आत्मा माना मन बुद्धि की गति कहाँ है? वेयर इज द सोल मीनिंग द माइंड एंड इंटेलेक्ट डायरेक्टेड? है मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में है या मिट्टी में जा रही है? इज इट इन द हाई स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड चर्निंग और इज इट गोइंग टूवर्ड्स सॉइल? है अगर देह अभिमानी की मिट्टी में जा रही है आत्मा. If it is going towards the soil of body consciousness, तो पतित हुई या पावन हुई? Is it sinful or pure? पतित ही कहेंगे चाहे भले ब्राह्मण बना हुआ है नाम का. It will be called only sinful, even if he has become a Brahmin for namesake. लेकिन काम क्या है? What is his task? जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं. They have been becoming sinful for many births. जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते. Until they find the father. They can't go to heaven. कौन? Who? कौन स्वर्ग में जा नहीं सकते? Who can't go to heaven? बच्चे. Children? अच्छा. अच्छा. बच्चे ही स्वर्ग में नहीं जा सकते. Can't the children themselves go to heaven? जब तक बाप न मिले. Until they meet the father. तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते. कौन से बच्चे? They can't go to heaven. Which children? हाँ तथागत माना? Yes. What do the so-called ones mean? जो नारद हैं. Those who are Narad. Narad माना? What is meant by Narad? दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद अपवित्र के अपवित्र ही बनते रहते. Those who give knowledge to the others and keep becoming impure themselves. तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया. The father has adopted you through Brahma. जो तुम जाकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे. You will go and rule in the new world. दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है. Nobody else establishes kingship at all. दूसरे माने कौन? What is meant by nobody else? है? दूसरे धर्म पिता है या दूसरा कोई मनुष्य मात्र है? The other religious fathers or any other human being. राजा की स्थापना नहीं करता है. Don't establish kingship. क्या धर्म स्थापन करते हैं? What do they establish? धर्म की स्थापना तो कर सकते हैं. They can certainly establish a religion. लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर सकते. But they can't establish a kingdom. और न किसी को मालूम है. Neither does anyone know. कि राजा स्थापन कैसे होती है, राजधानी कैसे स्थापन होती है. How the kingdom is established? How the capital is established? बाप इस जन्म लोगों पर आकर भविष्य की जन्मों की राजा स्थापन कर रहे हैं. The father himself has come in the confluence age and is establishing the kingship of the future 21 births. कैसे स्थापन कर रहे हैं? How is he establishing it? ऐसे नहीं कि आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और राजा स्थापन होती रहती है. It isn't that he comes and departs after narrating the knowledge and the kingship continues to be established. Nahi, aakar ke. No, after coming. Kya karte hain? What does he do? Raja isthapan kar rahe hain.
ही इज एस्टेब्लिशिंग द किंगशिप। इस बात को कोई भी जानते नहीं है। नोबडी नोज दिस। क्या? व्हाट? कोई भी नहीं जानते। नोबडी नोज दैट कि बाप अभी राजाई स्थापन कर रहे हैं। द फादर इज नाउ एस्टेब्लिशिंग द किंगशिप। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट गॉड डेफिनेटली केम 5000 years ago। गीता का ज्ञान सुनाया था। ही नरेटेड द नॉलेज ऑफ द गीता। जिससे मनुष्य देवता बने थे। थ्रू विच ह्यूमन बींग्स बिकेम डीटीज। गीता है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। द गीता इटसेल्फ इज द स्क्रिप्चर ऑफ द आदि सनातन देवी देवता धर्म मीनिंग द एंशियंट डीटी रिलीजन। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। देर आर नो स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा इन द गोल्डन एज। बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूँ। द फादर सीज आई कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज। फिर से आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। आई कम वंस अगेन एंड नरेट द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। जिसको सुनाता हूँ वो देवी देवता बनते हैं। ओनली दोज टू होम आई नरेट बिकम डीटीज। फिर 84 का चक्कर लगाया अब अंत में आते हो। देन व्हेन दे पास थ्रू द साइकिल ऑफ 84 births एंड कम टू द एंड। दोनों को ही आकर के फिर समझाता हूँ। देन आई एक्सप्लेन ओनली टू देम आफ्टर कमिंग। बीच में कब मैं आता ही नहीं हूँ। आई डोंट एवर कम इन बिटवीन। ऐसे थोड़े कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। इट इजंट दैट क्राइस्ट विल कम इन बिटवीन। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो इसे दुनिया के लिए स्थापन करते हैं। ऑल द अदर्स हु एस्टैब्लिश अ रिलीजन दे एस्टैब्लिश इट फॉर दिस वर्ल्ड। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। आई कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द न्यू वर्ल्ड। आता कहाँ हूँ कौन से युग में? वेयर डू आई कम इन विच एज? आता हूँ संगम पर। आई कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज। और स्थापना कहाँ के लिए करता हूँ नई दुनिया की? वो राजाई की। एंड फॉर विच प्लेस डू आई एस्टैब्लिश द किंगशिप? नई दुनिया के लिए। फॉर द न्यू वर्ल्ड। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। द सोल ऑफ क्राइस्ट एंटर्स एंड एस्टैब्लिशेस इट्स रिलीजन। अपना धर्म ना? इट्स रिलीजन मीन्स कौन सा धर्म स्थापन करेगी? विच रिलीजन विल इट एस्टैब्लिश? क्राइस्ट की आत्मा क्रिश्चियन धर्म स्थापन करेगी। क्राइस्ट का धर्म स्थापन करेगी। द सोल ऑफ क्राइस्ट विल एस्टैब्लिश क्रिश्चियनिटी। इट विल एस्टैब्लिश द रिलीजन ऑफ क्राइस्ट। ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं। दिस फादर इन फैक्ट एस्टैब्लिशेस अ किंगशिप। ये किसको पता नहीं है? Nobody knows। ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और कैसे स्थापन की हुई और किसने स्थापन की? When and how the kingdom of Lakshmi Narayan was established and who established it? ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। You should ask this to those who build the temples of Lakshmi Narayan etc। क्या पूछना चाहिए? What should you ask? कौन बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर? Who build the temples of Lakshmi Narayan? है जी के मंदिर और बिरला मंदिर बनाने वाली तो है ना? There are people who build JK temples and Birla temples, aren't there? तुमसे पूछना चाहिए। So, you should ask them। तुम ही पूछ सकते हो। बताओ इनों का राज्य कब स्थापन होगा? You yourselves can ask them। Tell us, when will their kingdom be established? परंतु उनकी तकदीर में तो राज्य पाने का है ही नहीं। But it isn't in their fate to obtain the kingdom at all। इनकी तकदीर में? Whose fate? जिन्होंने यादगार मंदिर बनाए हुए हैं। Those who have built the memorial temples, उनों की तकदीर में नहीं है। Don't have it in their fate। क्या? What? हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्यभाग प्राप्त करने का। To obtain the share of the kingship of Lakshmi Narayan। हाँ अंत में आकर के कुछ सुन ले। Yes, if they come in the end and listen to the knowledge a little, तो वो स्वर्ग में तो आ जावेंगी, प्रजा तो बन जावेंगी। They will certainly go to heaven and become subjects। कौन? Who? हद और बेहद का मंदिर बनाने वाले। Those who build the limited and unlimited temples। लेकिन? But? खुद राजा बने, राजयोग सीख करके बाप से राजा ही ले लेवे, ये नहीं। It won't happen that they themselves become kings and obtain the kingship from the father by learning Rajyog। मंदिर तो लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण के बहुत बनाते हैं। Many temples of Lakshmi Narayan और राधे कृष्ण are built। पूछना भी उनके लिए चाहिए। You should also ask for them। मंदिर बनाने वालों के नाम ढूंढ ढूंढ करके निकालने चाहिए। You should search for the names of those who build those temples। क्या कहा? What has been said? तुम सभा में भी पूछ सकते हो। You can also ask in a gathering। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। This secret is in your intellect। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प। बाबा does the establishment through Brahma every कल्प।
और कोई जान नहीं सकता। नोबडी एल्स कैन नो दैट। अक्षर भी हैं परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। देर आर द वर्ड्स एज वेल बट दे डोंट सिट इन एनीबडीज इंटेलेक्ट इन एन एक्यूरेट वे। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। दे अभिमानी की है पहले नंबर की ग्रहचारी। सम चिल्ड्रन ऑल्सो सफर फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। द नंबर वन इल इफेक्ट इज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। द फादर सेज चिल्ड्रन मे यू बी सोल कॉन्शियस। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। दीज पिक्चर्स ऑफ लक्ष्मी नारायण एंड द लैडर आर वेरी गुड टू एक्सप्लेन। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है। मेनी कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। परंतु ड्रामा में शायद देरी है। बट देर इज प्रोबेबली स्टिल सम टाइम इन द ड्रामा। इसलिए विघ्न पड़ते रहते हैं। दिस इज वाई ऑब्स्टिकल्स कीप इमर्जिंग। राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं। ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैपिटल। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। द फादर हिमसेल्फ सेज लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड। माया बड़ी समर्थ है। माया इज वेरी केपेबल। मेरे बच्चों को झट नाक से पकड़ ले। शी कैचेस माई चिल्ड्रन बाई दियर नोज इमीडिएटली। दादा वॉट हैज बीन सेड। कैसे पकड़ लेती है। हाउ डज शी कैच देम। नाक से पकड़ती है। शी कैचेस देम बाई दियर नोज। कान से भी पकड़ लेती है। शी ऑल्सो कैचेस देम बाई दियर ईयर्स। कैसे पकड़ती है। इन वॉट वेज डज शी कैच देम। नाक से पकड़ती है। कान से पकड़ती। टांग से नहीं पकड़ती। शी कैचेस देम बाई दियर नोज एंड शी कैचेस देम बाई दियर ईयर। Doesn't she catch them by their legs? है? तो नाक और कान से पकड़ने का मतलब क्या है? What is meant by catching by the nose and ears? है? नाक से क्या होता है? What happens through the nose? क्या काम होता है? What work is done? सूंघने का काम होता है। The work of smelling. कोई बच्चे हैं, तो दूसरों के पाप पुण्य में ज्यादा सूंघेंगे। There are some children who smell others' sins and noble actions a lot. दूसरा क्या करता है? उसकी सूंघा सांगी ज्यादा करेंगे और अपने तरफ अपनी तरफ नहीं देखेंगे। They will smell a lot what the other person is doing and they won't look at themselves. कुत्ता क्या करता है? What does a dog do? उसमें कौन सी शक्ति ज्यादा होती है? Which power does it have a lot? सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। It has the power of smelling the most. कोई कोई बच्चे भी ऐसे हैं। There are also some of such children. वो नाक की शक्ति से बहुत काम लेते हैं। Who use their olfactory powers a lot. तो माया क्या करती है फिर? सो व्हाट डज माया डू? ऐसे सूंघा सांगी करने वाले इस्लाम धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म के बच्चों को पहले पकड़ती है। शी फर्स्ट कैचेस द चिल्ड्रन हु बिलोंग टू इस्लाम द चिल्ड्रन ऑफ द मुस्लिम रिलीजन हु स्मेल लाइक दिस। किसको पकड़ती है? हुम डज शी कैच? जो सूंघा सांगी में लगे रहते। दोस हु आर एंगेज्ड इन स्मेलिंग। और फिर कान से पकड़ती है। एंड देन शी कैचेस देम बाय देयर ईयर्स। कान से पकड़ना माने? What does catching by their ears mean? हाँ, सुनी सुनाई बातों में बहुत विश्वास कर लेते हैं। Yes, they believe the hearsay a lot. इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। This one said this, that one said that. हाँ, बात तो ठीक है। And they think, yes, what he says is correct. फट से निश्चय बैठ गए। They have faith immediately. एक की बात दूसरे की बात तीसरे से चारों तरफ अफवाह उड़ती रहती है। The topic spreads from one person to a second person, from the second person to a third person. The rumor keeps spreading everywhere. तो माया ऐसों को कान और नाक से पकड़ लेती है। माला में तीन चार नंबर में आने वाले आज नहीं है। So, Maya catches such ones by the ears and nose. Those who come in the rosary at number 3 and 4 aren't present today. क्यों नहीं है? Why aren't they present? माया ने उनको कैसे पकड़ा? How did Maya catch them? नाक और कान से पकड़ लिया। She caught them by their nose and ears. इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। This is called Rahu's ग्रहचारी, meaning Rahu's ill planetary effect. सबसे बुरी ग्रहचारी किसकी होती है? Whose ग्रहचारी is the worst? नौ ग्रह हैं। There are 9 planets. नौ धर्मों से connected. They are connected with the 9 religions. नौ धर्मों के नौ बीज। There are 9 seeds of the 9 religions. है? तो किसके ग्रह में आचरण करना चाहिए? So, we should act according to which planet? है? किसकी छत्र छाया में रहना चाहिए? In whose canopy should we live? है? सदगुरु गुरु की छत्र छाया में रहना चाहिए जो सबसे बड़ा वृक्षपति कहा जाता है। Should we remain under the canopy of the Sadguru, the Guru who is called the highest वृक्षपति?
या राहु की छत्रछाया में रहना चाहिए? और शुड वी रिमेन अंडर द कैनोपी ऑफ राहु? भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की ग्रहचारी 100% बैठी हुई है। देर इज 100% ग्रहचारी ऑफ वाइसेस लाइक राहु, एस्पेशली एट दिस टाइम इन इंडिया। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो? यू कैन प्रूव दिस इन अ सेकंड। क्या? व्हाट? राहु की, राहु और केतु को जानते हो? डू यू नो राहु एंड केतु? एक राहु की ग्रहचारी। देर इज द ग्रहचारी ऑफ राहु। ऐसे नहीं कहते केतु की ग्रहचारी। इट इजंट सेड केतुस ग्रहचारी। किसकी प्रसिद्ध है? हुज ग्रहचारी इज वेल नोन? राहु की ग्रहचारी। राहु किसे कहते हैं? राहुस ग्रहचारी। हु इज कॉल्ड राहु? सिर और धड़, उसका नाम पड़ गया केतु। द हेड एंड द ट्रंक वाज नेम्ड केतु। अकल कौन घुमाता है? हु टर्न्स द इंटेलेक्ट? सिर ही अकल घुमाने वाला होता है। इट इज ओनली द हेड दैट टर्न्स द इंटेलेक्ट। रावण क्या करता है? व्हाट डज रावण डू? अकल कोई घुमाता है? ही टर्न्स ओनली द इंटेलेक्ट। और राम क्या करता है? एंड व्हाट डज राम डू? किसी को कुछ देता है क्या? डज ही गिव एनीथिंग टू एनीवन? न राम किसी को कुछ देता है, न रावण किसी को कुछ देता है। नीदर डज राम गिव एनीथिंग टू एनीवन, नॉर डज रावण गिव एनीथिंग टू एनीवन। फिर करते क्या है? देन व्हाट डू दे डू? देते, कोई को किसी को कुछ नहीं है सुख दुख। सुख दुख तो हर आत्मा अपना अपने आप कमाती है, लेकिन क्या देते हैं? नोबडी गिव्स एनीथिंग हैप्पीनेस और सोरो टू एनीवन। ईच सोल अर्न्स हैप्पीनेस एंड सोरो फॉर इटसेल्फ, बट व्हाट डू दे मीनिंग राम एंड रावण गिव? मत देते। दे गिव डायरेक्शंस। रावण दुख की मत देता है। रावण गिव्स द डायरेक्शंस फॉर सोरो। राहु की मत कहो, कॉल इट राहुस डायरेक्शंस। और राम सुख की मत देते हैं। एंड राम गिव्स डायरेक्शंस फॉर हैप्पीनेस। तो राहु की ग्रहचारी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड राहुस ग्रहचारी। जो 3-4 नंबर में आने वाले भी नीचे गिर गए। बिकॉज ऑफ विच इवन दोस हु वर टू कम एट नंबर 3 एंड 4 सफर्ड डाउनफॉल। भारत में खास इस समय विकारों की राहु की ग्रहचारी पूरी 100%। देर इज 100% ग्रहचारी ऑफ वाइसेस लाइक राहु, एस्पेशली एट दिस टाइम इन इंडिया। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो? यू कैन प्रूव दिस इन अ सेकंड। यही भारत पावन हीरे जैसा था। दिस वेरी इंडिया वॉज प्योर लाइक अ डायमंड। कैसा था? हाउ वॉज इट? हीरे जैसा था। इट वॉज लाइक अ डायमंड। अब? एंड नाउ? अब कैसा बन गया? हाउ हैज इट बिकम नाउ? विकारी कौड़ी मिसल बन। इट हैज बिकम विशियस लाइक अ काउरी मीनिंग शेल। हीरे की मिसालें क्यों दी जाती है? व्हाई इज द एग्जांपल ऑफ द डायमंड गिवन? हीरे में क्या विशेषता और कौड़ी में क्या विशेषता? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द डायमंड एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द काउरी? यही भारत हीरे जैसा था। दिस वेरी इंडिया वॉज लाइक अ डायमंड। माने बुद्धि कैसी थी? इट मीन्स हाउ वॉज द इंटेलेक्ट? हीरे के समान चमक मारने वाली बुद्धि थी। द इंटेलेक्ट यूज्ड टू शाइन लाइक अ डायमंड। और अभी? एंड नाउ? कौड़ी में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। देर इज ओनली डार्कनेस इन अ काउरी। कौड़ी होती है खोखली। अ काउरी इज एम्प्टी। और हीरा होता है ठोस। एंड अ डायमंड इज सॉलिड, भरा हुआ। फुल, तुम भरपूर थे। यू वर फुल। अभी क्या हो गए? व्हाट हैव यू बिकम नाउ? अभी कौड़ी को याद करते करते खोखली बुद्धि हो गई। नाउ व्हाइल रिमेम्बरिंग द काउरी योर इंटेलेक्ट हैज बिकम एम्प्टी। अभी फिर जैसे हीरा जैसा बनना है। नाउ अगेन यू हैव टू बिकम लाइक अ डायमंड। तो हीरे से कौड़ी जैसा, कौड़ी से हीरे जैसा, ये सारी कहानी भारत की है। सो फ्रॉम अ डायमंड टू अ काउरी, फ्रॉम अ काउरी टू अ डायमंड, दिस एंटायर स्टोरी इज ऑफ इंडिया। कौन सी सारी कहानी? विच एंटायर स्टोरी? जो सीढ़ी के चित्र में दिखाई हुई है। द वन दैट हैज बीन डिपिक्टेड इन द पिक्चर ऑफ द लैडर। आदमी क्या है? व्हाट इज इट इन द बिगिनिंग? हीरे जैसा। और अंत में क्या है? लाइक अ डायमंड। एंड व्हाट इज इट इन द एंड? कौड़ी जैसा जीवन बन पड़ा। द लाइफ हैज बिकम लाइक अ कौड़ी। बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। द फादर कम्स एंड मेक्स यू लाइक अ डायमंड। फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। स्टिल सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड। ये देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन टू एनीवन ऑन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण। ये कौन से चित्र की समझानी हुई जो अभी बताई? द एक्सप्लेनेशन ऑफ विच पिक्चर वॉज मेंशन जस्ट नाउ? सीढ़ी के चित्र। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ द लैडर।
लक्ष्मी के चित्र पर भी समझाना सहज है, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। इट इज इजी टू एक्सप्लेन ऑन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण एज वेल। द चिल्ड्रन शुड हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू डू सर्विस। सर्विस भी बहुत किस्म किस्म की है। सर्विस इज ऑल्सो ऑफ मेनी टाइप्स। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका उजूरा भी बहुत मिलता है। इफ यू गिव हैप्पीनेस टू मेनी यू गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फॉर दैट। ऐसे नहीं बात है कि सर्विस ही सर्विस है। इट इजंट दैट सर्विस थ्रू स्पीच अलोन इज सर्विस। कर्मणा सर्विस कोई सर्विस नहीं है। एंड दैट सर्विस थ्रू एक्शंस इजंट सर्विस। भोली दादी क्या करती? व्हाट डज दादी भोली डू? कर्मणा सेवा करती है। शी डज ओनली सर्विस थ्रू एक्शंस। तो बहुतों को सुख मिलता है। सो मेनी रिसीव हैप्पीनेस। तो बहुतों की दुआ दुआ मिल जाती है। शी गेट्स गुड विशेस फ्रॉम मेनी। मतलब तो सुख देने से है। द पर्पस इज टू गिव हैप्पीनेस। चाहे वाचा की सेवा करो, वेदर यू डू सर्विस थ्रू स्पीच, और चाहे कर्मणा की सेवा करो, और यू डू सर्विस थ्रू एक्शंस, चाहे वाइब्रेशन की सेवा करो, और यू डू सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस, मनसा सेवा, सर्विस थ्रू द माइंड। तो किस्म किस्म की सर्विस है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ सर्विस। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका अधूरा भी बहुत मिलता है। इफ यू गिव हैप्पीनेस टू मेनी देन यू गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स फॉर दैट। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। सम डू एन ऑलराउंड सर्विस। दे ऑफर देयर बोन्स इन सर्विस। क्या? व्हाट? वाचा की भी सेवा करेंगे। दे विल डू सर्विस थ्रू स्पीच। तन से भी सेवा करेंगे। दे विल सर्व थ्रू द बॉडी। धन से भी सेवा करेंगे। दे विल सर्व थ्रू द वेल्थ। संबंधियों से भी सेवा करेंगे। सारे संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। दे विल सर्व थ्रू द रिलेटिव्स टू। दे विल यूज द पावर ऑफ ऑल देयर रिलेटिव्स इन द डिवाइन सर्विस ऑफ गॉड। संपर्कियों से भी सेवा करेंगे। दे विल डू सर्विस थ्रू द कॉन्टेक्ट्स एज वेल। जो भी उनके संपर्क में आने वाला होगा, हूएवर कम्स इन देयर कॉन्टेक्ट, उस संपर्क की ताकत से ही सेवा करेंगे। दे सर्व ओनली थ्रू दैट पावर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। समय भी सारा कहाँ लगाएंगे? देयर विल दे यूज देयर एंटायर टाइम एज वेल। ईश्वरीय सेवा में लगाएं। तो समय की शक्ति भी कहाँ लगाई? दे यूज इट इन द डिवाइन सर्विस। सो वेयर डिड दे यूज द पावर ऑफ देयर टाइम? कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते। सम डू एन ऑलराउंड सर्विस। दे ऑफर देयर बोन्स इन सर्विस। ऑलराउंड माने? ऑलराउंड मीन्स हर प्रकार की। ऑफ ऑल काइंड्स। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। यू शुड फील हैप्पी थिंकिंग वी हैव टू बिकम एन ऑलराउंडर। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। बाबा वी आर प्रेजेंट ऑन सर्विस। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले। द नाइस चिल्ड्रन हु डू स्पिरिचुअल सर्विस। खाना अपने हाथ से पकाते। कुक फूड विद योर ओन हैंड्स। क्या कहा? व्हाट हैज बीन सेड? सर्विस करने वाले जो सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो अपने हाथ से खाना पकाते। द नाइस सर्विसेबल चिल्ड्रन हु डू सर्विस कुक फूड विद योर ओन हैंड्स। उसे क्या फायदा होगा? हाउ विल दैट बी बेनिफिशियल? दूसरे का वाइब्रेशन फिर भी अपने प्रति कभी ऊपर नीचे हो सकता है। अदर्स वाइब्रेशंस कैन स्टिल बी गुड और बैड फॉर यू समटाइम्स। लेकिन अपना वाइब्रेशन अपने लिए कभी दुख देने का होगा? बट विल योर ओन वाइब्रेशंस एवर बी सॉरो गिविंग टू यू? कभी नहीं होगा। इट विल नेवर बी दैट। तो अपने हाथ से जो खाना बनाया जाएगा वो तो बहुत पावरफुल होगा। सो द फूड दैट इज कुक्ड विद योर ओन हैंड्स विल बी वेरी पावरफुल। अच्छा, स्थूल खाने की ही बात है क्या? अच्छा, इज इट ओनली अबाउट द फिजिकल फूड? सूक्ष्म भोजन कौन सा होता है? व्हाट इज द सटल फूड? याद का भोजन। द फूड ऑफ रिमेम्बरेंस। संकल्पों का भोजन। द फूड ऑफ थॉट्स। तो जो सूक्ष्म भोजन है, याद का भोजन। सो एज रिगार्ड्स द सटल फूड, द फूड ऑफ रिमेम्बरेंस। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो वायुमंडल बनाने की हर जगह सेवा करेंगे। द नाइस चिल्ड्रन विल डू द सर्विस ऑफ क्रिएटिंग अ गुड एटमोस्फियर एवरीवेयर। और जो कमजोर है वो कहेंगे संगठन की ताकत मिले। एंड दोस हु आर वीक विल से दैट दे शुड गेट द पावर ऑफ द गैदरिंग। बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दे। बाबा शुड डू देम अ फेवर। खुद मेहनत नहीं करेंगे। दे वोंट वर्क हार्ड देमसेल्व्स। कुछ चाहेंगे। दे विल विश फॉर समथिंग। तो अच्छे अच्छे रूहानी बच्चे वो अपने हाथ से खाना बनाते। हाथ माना कौन सा? सो द नाइस स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कुक फूड विद योर ओन हैंड्स। हैंड्स रिफर टू विच हैंड्स? अपने बुद्ध रूपी हाथ से मनन चिंतन मंथन करेंगे। दे विल थिंक एंड चर्न थ्रू देयर ओन हैंड लाइक इंटेलेक्ट। अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। दे विल ईट आउट ऑफ व्हाटएवर दे अर्न ऑन देयर ओन। तुमको मालूम है कि बच्चे इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यू नो चिल्ड्रन बिकम सो इंटेलिजेंट दैट दे ऑब्टेन द थ्रोन। किसकी गद्दी? हूज थ्रोन? माता पिता की गद्दी। यहाँ कौन सी गद्दी है? द थ्रोन ऑफ द पेरेंट्स।
विच थ्रोन इज इट हियर? यहाँ ब्राह्मणों की कोई गद्दी है क्या? इज देयर एनी थ्रोन ऑफ द ब्राह्मण्स हियर? हुकुम चलाने की कोई गद्दी है? इज देयर एनी थ्रोन टू इश्यू ऑर्डर्स? हुकुम चलाने की गद्दी नहीं है, यहाँ तो सेवा करने की गद्दी है। देयर इज नो थ्रोन टू इश्यू ऑर्डर्स, हियर देयर इज द थ्रोन टू सर्व। सेवा में भी सबसे बड़ी ब्राह्मणों की सेवा कौन सी है? इवन इन सर्विस विच इज द बिगेस्ट सर्विस ऑफ द ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों का सबसे पहला मुख्य काम क्या है? विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेन टास्क ऑफ द ब्राह्मण्स? लेन देन करना, मनन चिंतन मंथन करना। टू एक्सचेंज नॉलेज, टू थिंक एंड चर्न। तो ये हुई गद्दी। सो दिस इज द थ्रोन। बाबा चिदाकाशी का मिसाल भी देते हैं। बाबा गिव्स एन एग्जांपल ऑफ चिदाकाशी एज वेल। क्या? व्हाट? उसका चित्त कहाँ लगा रहता था? देयर वाज हिज हार्ट चित एंगेज्ड। नाम ही क्या है? व्हाट इज हिज वेरी नेम? चित्त आकाशी। चित्त आकाशी मतलब बुद्धि रूपी चित्त कहाँ लगा रहता? इट मीन्स देयर वाज हिज हार्ट लाइक इंटेलेक्ट एंगेज्ड। आकाश इन द स्काई, आकाश। तो बच्चे भी कहाँ उड़ते रहे? सो वेयर शुड द चिल्ड्रन ऑल्सो कीप फ्लाइंग? ऊंची स्टेज में उड़ते रहे। दे शुड कीप फ्लाइंग इन अ हाई स्टेज। यहाँ वास्तव में सब माताएं हैं। हियर एक्चुअली देयर आर ऑल मदर्स। घर संभालने वाली है ना? दे टेक केयर ऑफ द हाउस, डोंट दे? अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। वेल द मदर्स द मेडन्स शुड स्टैंड अप इन दिस सर्विस। मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए। दे शुड डू सर्विस लाइक मम्मा एंड प्रूव देमसेल्व्स। मम्मा ने कैसी सर्विस की? What kind of service did mamma do? मम्मा ने कैसी सर्विस करके दिखाई? Mamma set an example by doing what kind of service? क्या हुआ? What happened? शो करना चाहिए। You should show. बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करते रहने से कोई फायदा नहीं है। As for the rest, there is no use of just uttering mamma mamma. क्या? What? कोई होते हैं घंटड़े ही बहुत बजाएंगे। There are some people who ring bells a lot. ढोल बहुत पीटेंगे। They beat the drum a lot. भगवान के मुंह पर ही घंटड़ी बजाएंगे, भगवती के मुंह पर ही घंटड़ी बजाएंगे। They will ring bells on the face of God himself. They will ring bells on the face of Goddess herself. घंटड़ी बजाना मन? What is meant by ringing bells? मुंह पर महिमा बहुत करना। To praise someone a lot on their face. करेंगे डरेंगे? कुछ नहीं। They won't do anything. तो मम्मा मम्मा कहने से कोई फायदा नहीं होगा। So there will be no benefit in uttering just mamma mamma. क्या करना चाहिए? What should you do? मम्मा जैसा खुद भी बनना चाहिए। You should also become like mamma yourself. अच्छा मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। अच्छा रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मदर द फादर एंड बाप दादा टू द वेरी स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। स्पिरिचुअल फादर्स नमस्ते टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। ओम शांति। के मंदिरों में रखी हुई है। इज प्लेस्ड इन द टेम्पल्स। क्या रखी हुई है? व्हाट इज प्लेस्ड? शिवलिंग जलाधारी में रखा हुआ है। द शिवलिंग इज प्लेस्ड ऑन द जलाधारी मीनिंग कप दैट होल्ड्स द लिंगम ऑब्लोंग स्टोन रिप्रेजेंटिंग शिव। लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। पीपल से दैट इट इजंट पॉसिबल। मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं हो सकता लेकिन भगवान के लिए ऐसा हो सकता है क्या? इट इजंट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट इट इज पॉसिबल फॉर गॉड। वॉट? ये जलाधारी में भी रखा हुआ है और पवित्र भी है। दैट ही इज प्लेस्ड ऑन द जलाधारी एंड ही इज ऑल्सो प्योर। वो अपवित्र नहीं है। ही इजंट इम्प्योर मतलब पतित नहीं है मीनिंग ही इजंट सिनफुल मतलब बुद्धि से भ्रष्ट नहीं है। ही इजंट अनराइटियस थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि पतन की ओर जाने वाली नहीं है। द माइंड एंड इंटेलेक्ट इजंट गोइंग टूवर्ड्स डाउनफॉल मतलब इट मीन्स दैट उस स्टेज में भी उसकी बुद्धि कहाँ है? इवन इन दैट स्टेज वेयर इज हिज इंटेलेक्ट ऊंची से ऊंची स्टेज में इन द हाईएस्ट स्टेज इसलिए उसको कहते हैं अच्युतम। दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। च्युत मीन्स टू फॉल और अच्युतम माने एंड अच्युतम मीन्स जो कभी भी मन बुद्धि से भ्रंश न हो। द वन हू नेवर फॉल्स थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट तो वो हुआ है एवर प्योर। सो ही इज एवर प्योर ऐसा परमात्मा पार्ट और किसी मनुष्य मात्र का हो नहीं सकता। नो ह्यूमन बींग कैन प्ले सच अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम सोल क्योंकि जितनी भी यादगारें हैं पूज्य देवताओं की बिकॉज इन द केस ऑफ ऑल द मेमोरियल्स ऑफ द वर्शिप वर्दी डीटीज उनकी जो पूज्य कर्मेंद्रियां पूजी जाती है देयर वर्शिप वर्दी कर्मेंद्रियां दैट आर वर्शिप कर्मेंद्रियां पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस
वो पूजा का आधार ही है प्योरिटी। द वेरी बेसिस फॉर दैट वर्शिप इज प्योरिटी। देवताओं की भी पूजा होती है। डीटीज आर ऑल्सो वर्शिप्ड। वो है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। दैट वर्शिप इज नंबर वाइज मीनिंग एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू दियर पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट। लेकिन सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? बट हु इज वर्शिप्ड द मोस्ट? शिव की। शिव। ये शिवलिंग जो यादगार है वो सिर्फ भारत में ही नहीं मिल रही है। दिस मेमोरियल ऑफ द शिवलिंग इजंट फाउंड जस्ट इन इंडिया। विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई है उनमें भी शिवलिंग मुखलिंग ये मिले। इवन इन द एक्सकवेशंस दैट हैव बीन कंडक्टेड इन द फॉरेन कंट्रीज द शिवलिंग द मुखलिंग हैव बीन फाउंड। इसे साबित होता है। दिस प्रूव्स दैट ये पूजा सार्वभौम पूजा थी। दिस वर्शिप वॉज अ यूनिवर्सल वर्शिप। ऐसा पति पावन का पार्ट और कोई दुनिया में बजा ही नहीं सकता। Nobody else in the world can play such a part of purifying the sinful. तो बोला? So, it was said, ऐसे बाप को याद करो तो पावन बन जाएगी। If you remember such a father, you will become pure. आगे चल करके मालूम पड़ता जाएगा। You will know in future, कि वो पतित पावन कौन है जिसको याद करने से हम पावन बन जाएंगे। Who that purifier of the sinful is, whom by remembering him, we will become pure. कौन कौन इस कुल के हैं? Who belong to this clan? किस कुल के? Which clan? एक ईश्वरीय कुल के। This divine clan. जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकलते आएंगे। Those who have converted to other religions will also keep emerging. जब सभी आएंगे तो मनुष्य बहुत वंडर खा लेंगे। When they all come, people will wonder a lot. कौन सभी आएंगे? Who are they all? Those who will come. सभी माने सब धर्म के जब आएंगे। All means when the people belonging to all the religions come. तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। So, if the children show courage, the father helps them. लक्ष्य रखो तो आपके लक्ष्य की किरणें सभी को मिलेंगी। Set a goal, then everyone will get the rays of your goal. होना ही है और करना ही है। It is bound to happen, and we definitely have to do it. आप लोगों को तो है। You people certainly have it. लेकिन औरों को भी हिम्मत और उमंग दिलाने में लक्ष्य दृढ़ रखो। But keep a firm goal to bring courage and enthusiasm to others as well. ब्रह्मा बाप और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलती तो है ना? The children do get the realization of Father Brahma and Father Shiv, don't they? किसकी किसकी पहचान? Whose realization? ब्रह्मा बाप की पहचान और शिव बाप की पहचान बच्चों को मिलती तो है ना? The children do get the realization of Father Brahma and Father Shiv, don't they? क्या? What? ब्रह्मा बाप वो तो साकार हुआ। Father Brahma is corporeal. और वो भी शरीर छोड़ गया। And he has also left his body. और शिव बाप? And what about Father Shiv? वो बिंदी। He is a point. दोनों की पहचान मिलती है। Do you get the realization of both? है? जो गया साकार था। The one who departed was corporeal. साकार शरीर से भी गया। He left his corporeal body. उसकी भी पहचान मिलती है। You get his realization. और जो बिंदु उसकी भी पहचान मिलती है। And do you get the realization of the point too? क्या पहचान मिलती? What realization do you get? बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं। All the souls are points. कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी बिंदु हैं। Worms and insects, animals and birds, all are points. 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बिंदु हैं। The 500 crore human souls are also points. तो उसकी विशेष शिव बाप की विशेष पहचान क्या मिलती है? So, what is the special realization of the father Shiv that you get? पहचान तो बच्चों को मिलती है ना? The children do have the realization, don't they? समझा? Did you understand? सामने बैठी हुई टीचर से। To the teacher sitting in front. आप लोग सुन रहे हो ना? You are listening, aren't you? तो आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है। So, nothing happens without you, the arms. क्या? What? ये है प्लान करने वाले। These are the ones who plan. कौन? Who? ये। These ones. और आप? And you? आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है जो सामने बैठने वाली टीचर्स हैं। Nothing happens without you, the arms, the teachers who are sitting in front. जो सन्मुख हैं। Those who are face to face. विमुख नहीं है। Those who don't turn their face away, विमुख। माना कुछ टीचर्स हैं। It means that there are some teachers. बेसिक नॉलेज में भी हैं। They are in the basic knowledge as well. जो जो बाप का कार्य है उस बाप के प्रति बाप के कार्य के प्रति सन्मुख हैं सामने। Who are face to face in front of the father
एंड टूवर्ड्स द टास्क ऑफ द फादर. विमुख नहीं है. दे आरंट विमुख. उनसे कहा. दे वर टोल्ड. आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है. नथिंग हैपेंस विदाउट यू द आर्म्स. आप. यू. किसे कहा? टू हुम वाज इट एड्रेस्ड? सामने बैठी हुई सन्मुख बैठी हुई टीचर से. द टीचर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट फेस टू फेस. जो बाप के विमुख नहीं है. दोज हु आरंट विमुख फ्रॉम द फादर. बाप के कार्य के प्रति विमुख नहीं है. हु आरंट विमुख फ्रॉम द फादर्स टास्क. जिस बाप की साकार में जयंती मनाई जा रही है उसके विमुख नहीं है. दोज हु आरंट विमुख फ्रॉम द फादर हुज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. तो आप भुजाओं के बिना कुछ नहीं होता है उनसे कहा. सो दे वर टोल्ड नथिंग हैपेंस विदाउट यू द आर्म्स. और ये है प्लान करने वाले. एंड दीज आर द वंस हु प्लान. प्लानिंग करने वाले हैं. दे आर द वंस हु अंडरटेक द प्लानिंग. इसका मतलब आप क्या हैं? इट मींस व्हाट आर यू. तीन पार्टियां बताई एडवांस पार्टी में. थ्री पार्टीज हैव बीन मेंशन्ड इन द एडवांस पार्टी. एक इंस्पिरेटिंग पार्टी. वन इज द इंस्पिरेटिंग पार्टी. जो ब्राह्मण आत्मा है बेसिक नॉलेज में पक्का निश्चय विश्वास श्रद्धा धारण करके शरीर छोड़ रही है. द ब्राह्मण सोल्स हु हैव फर्म फेथ वेनरेशन एंड बिलीफ इन द बेसिक नॉलेज एंड हु आर लीविंग देयर बॉडी. जिनको एडवांस का भान नहीं हुआ. दोज हु डिडंट रियलाइज द एडवांस नॉलेज. वो प्रवेश करके अभी उमंग उत्साह बढ़ाने का कार्य कर रही है. दे आर नाउ एंटरिंग अदर्स एंड परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ इंक्रीजिंग द ज़ील एंड एंथुसियाज्म. उनको अपना साकार शरीर नहीं मिलेगा. They won't get a corporeal body of their own. गर्भ से जन्म नहीं लेंगी. They won't be born through the womb. सतयुग में ही जाकर के उनको जन्म लेना है गर्भ महल में. They have to be born through the palace-like womb only after going to the golden age. वो है उमंग उत्साह बढ़ाने वाली. They are the ones who increase the zeal and enthusiasm. कौन सी पार्टी? Which party? Inspirating party. The inspirating party. ब्रह्मा सरस्वती मनमोहनी दीदी विश्व किशोर भाऊ. They are ब्रह्मा सरस्वती मनमोहिनी दीदी विश्व किशोर भाव. और दूसरी पार्टी प्लानिंग पार्टी. एंड द सेकेंड पार्टी इज द प्लानिंग पार्टी. जिनमें वो प्रवेश करके प्लानिंग बनाने के लिए हिम्मत उमंग उल्लास दे रही. द वंस हुम दे मीनिंग इंस्पिरेटिंग पार्टी एंटर एंड टू हुम दे आर गिविंग करेज ज़ील एंड एंथुसियाज्म टू अंडरटेक द प्लानिंग. इंजीनियर्स का ग्रुप हो गया. It is the group of engineers. तो मकान बनाते हैं. When a house is built, एक तो मकान मालिक होता है. One person is the owner of the house. है? मकान बनाने के लिए मजदूरों को और इंजीनियर्स को उमंग उत्साह देता है. Who infuses zeal and enthusiasm in the laborers and engineers to build the building, saying, बनाओ. Build the house. हम भरपाई करेंगे. I will pay for it. खूब पक्का बनाओ मजबूत बनाओ. Build it very firm and strong. क्यों चिंता करते? Why do you worry? तो inspirating party. So that is the inspirating party. और दूसरी? And the second one? पहले पहले किसकी जरूरत पड़ती है? What is required first of all? नक्शा नवीस की. The draftsman. Planning की. The planning. तो engineers group. So that is the engineers group. Plan तैयार करने वाले. The ones who plan. संकल्प देने वाले लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन है? दे आर दोज हु गिव देयर थॉट्स बट हु ब्रिंग द थॉट्स इनटू प्रैक्टिस. प्लानिंग तो देते हैं. दे द इंजीनियर्स डू गिव द प्लानिंग. वो प्लानिंग देने वाले हैं. दे आर द वंस हु गिव द प्लानिंग. बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं. दे आर बिग ऑफिसर्स. लेकिन प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या? बट कैन दे डू इट इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिकल करने के लिए किसको बुलाया जाता है? Who is called to give it a practical shape? राजमिस्त्रियों को मजदूरों को. The masons and laborers. वो ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं. They alone can do it in practice. इंजीनियर्स को कहो कि एक कमरा खड़ा कर दो. If the engineers are asked to build a room, तो नहीं खड़ा कर सकेंगे. They won't be able to do it. क्यों? Why? क्यों नहीं खड़ा कर सकेंगे? Why won't they be able to do it? क्योंकि प्योरिटी के बगैर प्रैक्टिकल नहीं होता. It is because The practical work doesn't take place without purity. ये जो planning group है वो सारा कहाँ से आया हुआ है? So, from where has this entire planning group come? है? रुद्रमाला का जो planning group है वो सारा कहाँ से आता है? Where does the entire planning group of the Rudramala come from? Student, from the kings. राजाएं तो पति तो बन गए ना? No,
The kings have in fact become sinful, haven't they? राजा है पति तो बन गए जन्म जन्मांतर के, लेकिन अभी तो ब्राह्मण बन गए ना। The kings became sinful in many births, but now they have become Brahmins, haven't they? तो वो जो ब्राह्मण बने हुए हैं, जो प्लानिंग पार्टी में रुद्रमाला में आए हुए हैं। So those who have become Brahmins and have come in the planning party in the Rudramala, वो आते हैं घर घर की कीचड़ से। They come from the mire of the household. कहाँ से आते हैं? Where do they come from? घर घर की कीचड़ से आए हुए। They have come from the mire of the household. और घर घर की कीचड़ तो कीचड़ है। And the mire of the household is mire. काजर की कोठरी में कैसे उसयान हो जाए एक लीक काजर की लागी है जरूर। A person goes into a room of kajal, meaning soot. However intelligent he is, at least a speck of the kajal will adhere to him. बच नहीं सकते। He can't save himself. तो सन्यासियों की प्योरिटी में और गृहस्थियों की प्योरिटी में कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? So, will there be some difference between the purity of the sannyasis and the purity of the householders or not? ज्यादा बैलेंस किसके पास होगा? Who will have more balance of purity? गृहस्थियों के पास तो तब होगा जबकि जो बाप जैसे पढ़ाई पढ़ा रहा है वो पढ़ाई पूरी कर ले। The householders will have it only when they complete the study that the father is teaching. वो पास करके दिखा दे। They should pass that study. लेकिन जब तक वो पढ़ाई पास करके नहीं दिखाई है। But until they have passed that study. घर घर में कीचड़ में कमल के समान रह करके जीवन बिताने की कला में पास नहीं हुए हैं। Until they have passed in the art of leading their life like a lotus while living in the mire of the household. तब तक प्योरिटी में सन्यासी आगे रहेंगे। Will the sannyasis remain ahead in purity? या गृहस्थी आगे रहेंगे? Or will the householders be ahead? तो वो आगे रहेंगे ना? They, meaning the sannyasis, will certainly remain ahead, won't they? उनका मान मर्तबा होना चाहिए ना? They will have to be given respect and position, won't they? नहीं होना चाहिए? Shouldn't they? होना चाहिए। They should. तो ये है प्लानिंग करने वाले। So, these are the ones who undertake the planning. प्रैक्टिकल करने में मजबूर है। दे आर हेल्पलेस इन द प्रैक्टिकल लाइफ। संकल्प देने वाले हैं, लेकिन संकल्प को साकार करने वाले कौन? दे गिव देयर थॉट्स, बट हु गिव शेप टू देयर थॉट्स? बोलो ना, हम हैं। से इट इज अस, वोंट यू से इट? क्यों भुजा समझ करके करेंगे? हम हैं ये बोलते क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू से इट इज अस? बोलो ना। से दिस, वोंट यू से इट? क्यों? व्हाई? क्योंकि भुजा समझ करके करेंगे। It is because if you consider yourself to be arms and do it, तो मैंपन body conscious का आएगा ही नहीं। Then you won't get the feeling of I, of body consciousness at all. कि मैं बाप की भुजा हूँ, शक्ति हूँ। You should think, I am an arm, the शक्ति of the father. विदेश के भी आदि रतन बैठे हैं। The gems of the beginning from abroad are also sitting here. क्या? What? ऐसे नहीं कि आदि में सब भारतवासी ही आए हुए थे। It isn't that all those who came in the beginning were only the Indians. आदि के विदेश वाले भी बैठे हुए। The foreigners of the beginning are also sitting. कहाँ? Where? विदेश के भी आदि रतन बैठे हैं। The gems of the beginning of the foreign countries are also sitting. लहर अभी अच्छी है। The wave is good now. लहर औरों को अभी देने की आवश्यकता नहीं है। Now it isn't necessary to spread the wave to others. लहर आ गई है। The wave is already here. कौन सी लहर? Which wave? अभी सिर्फ उन्हों को और उमंग उत्साह दिलाते चलो। Now just continue giving them more zeal and enthusiasm. किनों को? To whom? किनों को उमंग उत्साह दिलाते चलो? To whom should you continue giving zeal and enthusiasm? विदेशियों को। To the foreigners. निमित्त आत्मा अच्छी हो और बाप दादा के समीप हो। You, the souls who are instruments, are good and close to Bap Dada. समीप हो या फॉरेन में हो? Are you close or are you in foreign countries? क्योंकि फॉरेन तो बहुत दूर है। It is because the foreign countries are very far. लेकिन दूर होते भी समीप तो हो सकते हैं ना दिल से? But despite being far, you can be close to the heart, can't you? समीप है ना? You are close, aren't you? बाप दादा भी खुश होते हैं, वाह मेरे राइट हैंड बच्चे। बाप दादा ऑल्सो फील्स हैप्पी, वाह
माय राइट हैंड चिल्ड्रन. राइट हैंड है ना? यू आर द राइट हैंड, aren't यू? राइट हैंड से ही काम होता है. द टास्क इज accomplished ओनली थ्रू द राइट हैंड. तो हर स्थान पर बाप के राइट हैंड है. सो देर आर द राइट हैंड्स ऑफ द फादर एट एवरी प्लेस. लेकिन जो आदि रतन निमित्त हो, बट द जेम्स ऑफ द बिगिनिंग हु आर इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हों को और आगे बढ़ते बढ़ाना है. दे हैव टू मूव अहेड देमसेल्व्स एंड इनेबल अदर्स टू मूव अहेड. खुद भी बढ़ते रहना है और औरों को भी आगे बढ़ाना है. दे हैव टू मूव अहेड देमसेल्व्स एंड दे हैव टू मेक अदर्स आल्सो मूव अहेड. एक ही काम है बस. देयर इज ओनली वन टास्क, दैट्स ऑल. थोड़ा सा कहां भी देखो, सेवा में थकावट फील करते हैं. इफ यू सी समवेयर दैट दे फील टायर्ड इन सर्विस इवन अ लिटिल, या मेहनत फील करते हैं, तो उनको कोई न कोई सहयोग दे करके उमंग उत्साह बढ़ाओ. और दे फील इट इज हार्ड वर्क, देन गिव देम सम और अदर कोऑपरेशन इन देयर टास्क एंड इंक्रीज देयर ज़ील एंड एंथुसियाज्म. ये आप लोगों का काम है. दिस इज योर टास्क. क्या कहा? व्हाट हैज बीन सेड? किससे कहा? हु वर टोल्ड दिस? रुद्रमाला से कहा या विजयमाला से कहा? वाज इट सेड टू द रुद्रमाला और टू द विजयमाला? है? रुद्रमाला से आप कहा? Was the Rudramala addressed as you? अभी बाप भी रुद्रमाला के कर्तव्यों को देख देख करके सतुचाए रहे. Now the father is also contemplating at the acts of the Rudramala. इसलिए एक वाणी में बोला था. This is why it was said in a vani. अभी भी बाप अकेले नहीं. The father isn't alone even now. शक्तियाँ तो साथ हैं ही. The shaktis are certainly together. और विजयमाला में भी अकेले नहीं होंगे. And he won't be alone in the Vijayamala either. इसका मतलब? इट मीन्स दैट बाप पलथी मारेगा. द फादर विल स्विच साइड्स. अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले हैं? ले जाएंगे. द इनसाइडर्स विल लैग बिहाइंड एंड द आउटसाइडर्स विल टेक अवे द पोजीशन. अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे. ये बेसिक नॉलेज में भी यही नियम था. द इनसाइडर्स विल लैग बिहाइंड एंड द आउटसाइडर्स विल टेक अवे देयर पोजीशन. इट वॉज द सेम रूल इन द बेसिक नॉलेज एज वेल. क्या? What? 76 में क्या रिजल्ट आउट हुआ 76 के बाद? What was the result in 76 after 76? अंदर वाले रह गए और बाहर वाले? The insiders lagged behind and the outsiders. गर्गस्थ के कीचड़ के जीवन में जीवन व्यतीत करने वाले वो ले गए. Those who were leading their lives in the mire of the household took away the position. रुद्रमाला में नंबर ले गए ना? They grabbed a number in the Rudramala, didn't they? तो अभी भी क्या होने वाला है? What is going to happen now as well? Student commented. Yes. अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे. बाहर वाले मानो? The insiders will lag behind and the outsiders will take away their position. What is meant by the outsiders? अंदर वाले मानो कौन? What is meant by the insiders? रुद्रमाला मानो सूर्यवंशी. The Rudramala means the Suryavanshi. और विजयमाला मानो चंद्रवंशी. And the Vijayamala means the Chandravanshi. Student, will they become Suryavanshi? कौन? Who? पहले विजयमाला तैयार तो होगी रुद्रमाला. It is the Rudramala that will get ready first. लेकिन रुद्रमाला के मन के तिरोए कहाँ जाएंगे? But where will the beads of the Rudramala be threaded? विजयमाला में. In the Vijayamala. तो विजयमाला पहले होगी या रुद्रमाला पहले? So, will the Vijayamala be first? Or will the Rudramala be first? Student, the Rudramala. No. Vijayamala hogi tab to phir ho jayenge. They will be threaded only when there is the Vijayamala. Vijayamala nahi hogi, vijay prapt karne wali vikaron par vijay prapt karne wali mala nahi hogi. If there isn't the Vijayamala, if there is no rosary of those who gain victory over the vices, तो रुद्रमाला के मन के ऐड कैसे किए जाएंगे? Then how will the beads of the Rudramala be added? ऐड तो वही किए जाएंगे जो विजय प्राप्त करते जाएंगे. Only those who gain victory will be added. नहीं तो विजयमाला में ऐड कैसे किए जाएंगे? Otherwise, how will they be added to the Vijayamala? हैं? रुद्रमाला विजयमाला बननी है तो ऊंची माला कौन सी हुई? The Rudramala has to become the Vijayamala. So which rosary is higher? विजयमाला. Student. The father's rosary. जी माला ऊंची होनी चाहिए लेकिन अभी रिजल्ट क्या है? The father's rosary should be higher. But what is the result now? चाहिए चाहिए. Should be. Student commented. है?
हाँ तो आखिरी हमारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट क्या है, विष्णु या शंकर या ब्रह्मा? यस, सो अल्टीमेटली व्हाट इज अवर गोल, अवर एम ऑब्जेक्ट? विष्णु, शंकर और ब्रह्मा। तो जो आज रतन निमित्त हो उनको और आगे बढ़ते बढ़ाना है, एक ही काम है बस। सो द जेम्स ऑफ द बिगिनिंग हु आर इंस्ट्रूमेंट्स शुड प्रोग्रेस मोर एंड इनेबल अदर्स टू प्रोग्रेस। देयर इज ओनली वन टास्क, दैट इज ऑल। थोड़ा सा कहा भी देखो, सेवा में थकावट फील करते हैं या मेहनत फील करते हैं? इफ यू सी एनीवेयर दैट समवन इज फीलिंग टायर्ड इन सर्विस इवन अ लिटिल और इफ दे फील इट इज हार्ड वर्क। कौन? हु? रुद्रमाला के आदि रतन, द जेम्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रुद्रमाला। तो उनको कोई न कोई सहयोग दे करके उमंग उत्साह बढ़ाओ, ये आप लोगों का काम है। सो गिव देम सम और अदर कोऑपरेशन एंड इंक्रीज देयर ज़ील एंड एंथुसियाज्म, दिस इज योर टास्क। क्या कहा? What has been said? कैसे उमंग उत्साह बढ़ जाएगा रुद्रमाला वालों का? How will the zeal and enthusiasm of the Rudramala be increased? बड़े ठंडे हो रहे हैं। They are getting very cold, meaning they are losing enthusiasm. हैं? Student commented. हाँ, मैं? No. Student commented. नहीं। No. जब आप लोगों को सहयोग देने लग पड़ेंगे। When you start helping them. आप लोग माना कौन? You refers to whom? विजय माल वाले। Those from the विजय माला। कोई भी ब्रह्मा कुमारी निकलती है। Then any ब्रह्म कुमारी comes in knowledge। तो कितना उमंग उत्साह बढ़ जाता है। The zeal and enthusiasm increases so much। समझते हैं, हमने बड़ा भारी मैदान मान लिया। They think that they have achieved something very great। बड़ा शिकार। Student, we have caught a big prey। हाँ, बड़ा शिकार कर लिया, अभी तक कुकड़ी मारते थे। Yes, we have caught a big prey। So far, we used to get just chicks. Student, Baba, people from there are coming to the advanced knowledge, aren't they? Yes. So, umang utsaah badh raha hai na? So, the zeal and enthusiasm is increasing, isn't it? Eh? Student, they hate even this name. Nafrat hai? They hate it. नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, आप मोहब्बत करते रहो। Their hatred will change into love. You keep loving them. कोई मोहब्बत ही ऐसे होते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। There are some lovers who just pursue the one they love. Student, we were lovers. हे, तो बदल गए क्या? Were? So, did you change now? बदलू खान। Are you बदलू खान? Those who keep changing sides. यानी पक्की मोहब्बत नहीं है? Does it mean that you don't have true love? Hey. Student, we had true love only then. You had love. अच्छा। अच्छा। मेहनत फील करते हैं तो उनको कोई न कोई सहयोग देकर उमंग उत्साह बढ़ाओ, ये आप लोगों का काम है। If they feel it is hard work, then give them some or other help and increase their zeal and enthusiasm. This is your task. समझा? Did you understand? जो टीचर्स हैं उसमें भी आप लोग विशेष निमित्त हो। इवन अमंग द टीचर्स यू आर स्पेशली द इंस्ट्रूमेंट्स। कौन? हु? जो सामने बैठी हुई। दोस हु आर सिटिंग इन फ्रंट। सामने बैठी हुई माना? व्हाट इज मेंट बाय सिटिंग इन फ्रंट? बाप के सन्मुख हैं। दे आर फेस टू फेस विद द फादर। दिल से विमुख नहीं हैं। दे आरंट विमुख फ्रॉम देयर हार्ट। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है। दिस इजंट समथिंग टू शो। लेकिन अंदर से बाप का जो कार्य है उस कार्य में सन्मुख हैं। But they are face to face with the father's task from within. Advanced party का जो कार्य चल रहा है उस कार्य में विमुख नहीं है। They aren't विमुख to the task that is going on in the advanced party. लेकिन सन्मुख है। They are face to face. तो आप लोग विशेष निमित्त हो। So you are especially the instruments. उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उनका। To increase their zeal and enthusiasm. समझते हो? You consider yourself to be this. आप अपने को निमित्त समझते हो? Do you consider yourself to be the instrument? बोलो। Speaker? जयंती। जयंती। बोलो। Speaker? किसे पूछा? Who was asked? कौन सी टीचर से? Which teacher? विदेश की इंचार्ज। The one in charge of the foreign countries. कौन से विदेश? Which foreign country? कौन से शहर का नाम? Which city? विदेशों का हेड कौन सा शहर? Which city is the head of the foreign countries? Students, London. London. Lendin, exchange. जो लेनदेन करने की इंचार्ज है। The one who is in charge of the exchanges. Lendin. हाँ। Yes. ज्ञान का लेनदेन, एडवांस ज्ञान का लेनदेन करने की जो इंचार्ज है।
the one who is in charge of the exchange of knowledge, the exchange of the advanced knowledge. बेहद की जयंती से भी बोले कि हद की जयंती से ही बोले? Did he speak to that unlimited jayanti as well, or did he speak only to the limited jayanti? Student replied, Yes. Jayanti बोलो. Jayanti, speak up. थक तो नहीं गई हो? You haven't become tired, have you? थक तो नहीं गई हो? You haven't become tired, have you? अच्छा है. It is good. सभी टीचर्स में भी अभी मेजॉरिटी में हिम्मत आ गई है. A majority of all the teachers have now become courageous. है ना? It is so, isn't it? अभी निर्विघ्न बनने की विधि भी समझ गए हैं. Now they have understood the method to become free from obstacles as well. पहले घबराते थे ना बहुत. Earlier they used to panic a lot, didn't they? अभी घबराते कम हैं. Now they panic a little. हिम्मत आ गई है. They have become courageous. क्योंकि एक तरफ बाप का प्यार. Because on one side they have the father's love. और दूसरी तरफ सेवा का बल. And on the other side they have the power of service. तो दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई है. So both have increased their courage now. किसने किसने हिम्मत बढ़ाई? What has increased their courage? है? बाप के प्यार ने हिम्मत बढ़ाई है और the father's love has increased their courage. And बाप का तो प्यार अटूट है कि बीच बीच में टूटने वाला है. Is the father's love unbreakable or does it break in between? Student, it is unbreakable. अटूट है तो उसने हिम्मत बढ़ाई है. Is it unbreakable? So it has increased courage. और दूसरी तरफ and on the other side है सेवा का जो बल मिलता है. The power that they receive from service. दोनों ने अभी हिम्मत बढ़ाई है. Both have now increased their courage. अच्छा टीचर हाथ उठाओ. अच्छा टीचर्स रेज योर हैंड्स. बस. That's all. बाप दादा सभी को ये कहते हैं कि सदा खुश रहो. बाप दादा ऑलवेज टेल्स एवरीवन टू बी हैप्पी. और सेवा में आबाद रहो. एंड टू कीप फ्लरिशिंग इन सर्विस. बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया. आफ्टर मीटिंग द चिल्ड्रन बाप दादा होइस्टेड द फ्लैग विद हिज हैंड्स. जब ये झंडा लहराया तो कितनी खुशी हो रही है. यू फील सो हैप्पी व्हेन दिस फ्लैग इज होइस्टेड. कौन सा झंडा? व्हिच फ्लैग? कपड़े का झंडा. द क्लॉथ फ्लैग. जो कपड़े का झंडा जड़ कपड़े का झंडा है झंडा है वो लहराया. दिस क्लॉथ फ्लैग द फ्लैग ऑफ नॉन लिविंग क्लॉथ वॉज होइस्टेड. तीन रंग होते हैं कपड़े में. आर देयर थ्री कलर्स इन द क्लॉथ? है वो तो तीन जड़ वस्त्र हैं तीन जड़ रंग के. दे आर द थ्री नॉन लिविंग क्लॉथ ऑफ थ्री नॉन लिविंग कलर्स. उस झंडे को लहराते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं. देन दैट फ्लैग इज होइस्टेड यू फील सो हैप्पी. वो तो हो गया भक्ति मार्ग. दैट इज द पाथ ऑफ भक्ति. लेकिन असली झंडा कौन सा है? बट व्हाट इज द एक्चुअल फ्लैग? स्टूडेंट द ट्राइकलर फ्लैग. तिरंगा तो वो जड़ झंडा भी है तिरंगा. दैट नॉन लिविंग फ्लैग इज ट्राइकलर. और चैतन्य झंडा भी तिरंगा है. एंड द लिविंग फ्लैग इज ऑल्सो ट्राइकलर. वो भी वस्त्रों का है लेकिन चैतन्य वस्त्रों का है. दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ क्लॉथ बट इट इज ऑफ लिविंग क्लॉथ. स्टूडेंट द त्रिमूर्ति फादर. हाँ जो तीन मूर्तियाँ हैं संसार में चैतन्य में है या सिर्फ कहने मात्र हैं? यस. आर द थ्री पर्सनैलिटीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इन अ लिविंग फॉर्म और आर दे जस्ट फॉर नेम सेक? चैतन्य में है. दे आर इन अ लिविंग फॉर्म. उन तीन मूर्तियों का झंडा बुलंद करना. टू होइस्ट द फ्लैग ऑफ दोज थ्री पर्सनैलिटीज हाई. वो लहराने की बात है. इट इज अबाउट होइस्टिंग दैट फ्लैग. तो जब यह झंडा लहराया. सो व्हेन दिस फ्लैग इज होइस्टेड. यह माना का कौन सा? दिस रिफर्स टू विच वन? जड़ झंडा लहराया तो कितनी खुशी हो रही है. व्हेन द नॉन लिविंग फ्लैग इज होइस्टेड यू आर फीलिंग सो हैप्पी. इसका मतलब? इट मींस जो असली झंडा है वो लहराओगे तो व्हेन यू होइस्ट द ट्रू फ्लैग तो खुशी का पारावार नहीं रह जाएगा. देयर विल बी नो लिमिट टू योर जॉय. उसको संसार में बुलंद करना है. Yes, you have to hoist it in the world. कौन से झंडे को? Which flag? चैतन्य ब्रह्मा भी है अभी. There is the living Brahma now. चैतन्य विष्णु भी है अभी. There is also the living Vishnu now. और चैतन्य शंकर भी है. And there is the living Shankar as well. जब विश्व में सभी के आगे झंडा लहरेगा. When the flag is hoisted in front of everyone in the world. तो कितनी खुशियाँ होंगी.
देयर विल बी सो मच हैप्पीनेस। कितनी तालियां बजेंगी? पीपल विल क्लैप सो मच। झंडा सदा ऊंचा रखते हैं। द फ्लैग इज ऑलवेज केप्ट हाई। क्यों रखते हैं? व्हाई इज इट केप्ट हाई? ऊंचे का अर्थ है कि सबकी नजर उस तरफ जाए। हाई मीन्स एवरीबॉडीज आईज शुड लुक देयर। किस तरफ? वेयर? ओ त्रिमूर्ति बाप, शिव है ना? दैट त्रिमूर्ति फादर इज शिव, इजंट ही? कैसे प्रकट होता है? हाउ इज ही रिवील्ड? बिंदु रूप में। इज इट इन अ पॉइंट फॉर्म? बिंदी में से किरणें निकलती हैं और प्रकट हो जाता है। डू रेज अपीयर फ्रॉम अ पॉइंट एंड ही इज रिवील्ड? जैसे सन 78 में दिल्ली के चार कोनों पर बड़ा सा बड़ा प्लास्टिक का चलचित्र रख दिया और बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन 1978 इन दिल्ली, इन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली, अ वेरी बिग मूविंग प्लास्टिक पिक्चर वाज प्लेस्ड एंड द फादर वाज रिवील्ड। वो झंडा? इज इट दैट फ्लैग? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों का झंडा कौन सा है? व्हाट इज द फ्लैग ऑफ द सो कॉल्ड ब्रह्मा कुमार कुमारीज? बिंदु का झंडा है। इज इट अ फ्लैग ऑफ द पॉइंट जिसमें से किरणें निकल रही हैं? फ्रॉम विच रेज आर स्प्रेडिंग। यह त्रिमूर्ति का झंडा है। और इज इट अ फ्लैग ऑफ द त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति झंडा है। इज इट द त्रिमूर्ति फ्लैग? जो कपड़े का झंडा बनाते हैं वो कौन सा झंडा है? विच फ्लैग डू दे मेक विद क्लॉथ? वो किरणों का झंडा विदेशियों वाला है। द फ्लैग ऑफ रेज, इट इज ऑफ द फॉरेनर्स। वो तो निराकार को मानते हैं। दे इन फैक्ट बिलीव इन द इनकॉर्पोरियल वन। लेकिन भारतवासी? But what about the Indians? भारतवासी निराकार को नहीं मानते। The Indians don't believe in the incorporeal one. सिर्फ निराकार को नहीं मानते, लेकिन निराकार के साथ? They don't believe in just the incorporeal one, but along with the incorporeal one. साकार को भी मानते। They believe in the corporeal one as well. निराकार आत्मा है। If there is the incorporeal soul. तो साथ में साकार शरीर है। There is a corporeal body as well. दोनों की प्रवृत्ति है। It is a companionship of both. तो ऐसे ही सिमिलरली परमात्मा बाप ज्योति बिंदु है। द सुप्रीम सोल फादर इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो ज्योति बिंदु किसी लिंग में प्रवेश करता है। सो दैट पॉइंट ऑफ लाइट एंटर्स अ लिंग, लिंगम। बिंदु नहीं सिर्फ, ही इजंट जस्ट अ पॉइंट। बिंदु काय में है? इन व्हाट इज द पॉइंट प्रेजेंट? लिंग में है। ही इज इन अ लिंग। लिंग माना निराकारी स्टेज वाला। लिंग मीन्स द वन विद एन इनकॉर्पोरियल स्टेज। जिसको हाथ पांव नाक आंख कान अंग जैसे है ही नहीं। इट इज एज इफ ही डजंट हैव पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द हैंड्स, लेग्स, नोज, आईज, इयर्स एट ऑल। कहते ना, कानों से सुनते हुए फालतू बातें ना सुनो। इट इज सेड, इजंट इट, डोंट लिसन टू वेस्टफुल थिंग्स डिस्पाइट लिसनिंग थ्रू द इयर्स। देखते हुए न देखो। डोंट सी व्हाइल सीइंग। ये कौन सी स्टेज है? व्हिच इज दैट स्टेज? ये स्टेज है जिसमें देह भान नहीं है। That is the stage which has no body consciousness. दुनिया की बातों का असर नहीं पड़ता। You aren't affected by the worldly affairs. Feeling नहीं आती। You have no sad feeling. तो झंडा ऊंचा रखते हैं, क्यों रखते हैं? So the flag is placed high. Why is it placed high? ऊंच का अर्थ है कि सबकी नजर उस झंडे की तरफ जाए। High means everyone's eyes should look at that flag. किस झंडे की तरफ? Which flag? यह झंडा जो लहराया है इसकी तरफ नहीं। Not towards this flag that has been hoisted. उस झंडे की तरफ जाए जो चैतन्य में लहराना है। The eyes should turn towards that flag which is to be hoisted in a living form. तो जब प्रत्यक्षता का झंडा लहरेगा, त्रिमूर्ति बाप तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, तो सबकी नजर उसी एक बाप की तरफ होगी। So, when the flag of revelation is hoisted, when the Trimurti Father is revealed through the three personalities, then everybody's eyes will be looking only at that father. क्या? What? इस बिंदु का जो शिवलिंग और किरणें बनाई दी इसकी तरफ नहीं होगी। They won't be seeing the shivling and the rays of this point that has been made. किसकी तरफ होगी? In which direction will they see? उस त्रिमूर्ति बाप की तरफ होगी। They will see towards the Trimurti Father. आपके दिलों में तो बाप का झंडा याद का है। There is the flag of the father's remembrance in your heart. वो तो है ही। That is anyway present. लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये झंडा लहराना है। But now this flag has to be hoisted in others' heart. किसके दिलों में? In whose heart? है? आपके दिलों में। आपके माना किससे बात कर रहे हैं? In your heart. Your means to whom is he speaking? रुद्रमाला से कर रहे हैं या विजयमाला से? Is he speaking to the Rudramala or to the Vijayamala? विजयमाला से आपके कहा।
Yours was said to the Vijayamala. बोला आपके दिल में तो बाप का झंडा याद का है ही. It was said the flag of the father's remembrance is anyway there in your heart. आपके दिलों में है, बाहर से नहीं है. It is in your heart and not outside. क्या? What? आपके दिलों में ये झंडा लहरा रहा है. This flag is waving in your heart. बाहर दिखाने की चीज नहीं है. It isn't something to show outside. वो तो है ही. That is anyway there. लेकिन अभी दूसरों के दिलों में ये झंडा लहराना है. But now this flag is to be hoisted in others' heart. जिनके दिलों में अंदर ये बाप की प्रत्यक्षता का झंडा नहीं लहरा रहा है. In the heart of those who don't have this flag of the father's revelation waving. वो झंडा त्रिमूर्ति बाप की पहचान का झंडा लहराना है, प्रत्यक्षता का. That flag of the realization and revelation of the Trimurti Father is to be hoisted. ये तो कपड़े का झंडा लहराया. This is a cloth flag that has been hoisted. ये लो, अब कुछ नहीं किया अभी. लो, you didn't do anything now. है? ये तो कपड़े का झंडा लहराया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा सभी को मिलकर के लहराना. This is a cloth flag that you have hoisted, but the flag of revelation is to be hoisted by everyone together. और वो लहराना ही है. And that is bound to be hoisted. क्या? What? निश्चित है कि सभी ब्राह्मणों को ये झंडा लहराना पड़ेगा. It is definite that all the Brahmins will have to hoist this flag. अभी कितने भी विरोधी हो. It doesn't matter how much they oppose now. अच्छा, ओम शांति. अच्छा, ओम शांति.